फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर 12 दिन से धरने पर बैठे हुए समूह मजदूर वेलफेयर सभा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सर्दी के कपड़े उतारकर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किया रोष प्रदर्शन। समूह मजदूर वेलफेयर सभा के प्रधान बग्गा सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आदेश अनुसार जो गरीब तबके को 5 मरले का प्लाट और फ्री रजिस्ट्री के आदेश दिए थे उनकी पालना नहीं की गई, जिसके कारण हमारा यह धरना आज 12वें दिन में है और हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर कपड़े उतारकर रोष प्रदर्शन किया है ताकि पंजाब सरकार के आदेश अनुसार गरीबों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे जल्दी न मानी गई तो हाईवे जाम कर संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? सर, सब तो पहला सारिया नूं देशवासियों जय भीम जय भारत सत श्री अकाल नमस्कार साथियों। समूह मजदूर वेलफेयर सभा वालों आगुआ वालों एक साडा विशेष मंग सी कि जो पंजाब सरकार सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने साडे गरीब लोगों लई हुक्म जारी किए सी 5-5 मरले रैशी प्लाट विद कलोनी और नाल जिहड़े घरां च लोग गरीब लोग रहिंदे सी शहरां च पिंडां दे विच उहनां नूं फ्री रजिस्ट्रियां करके देनियां ते बिल जिहड़े हैगे आ माफ़ किए गए सीगे। इहदे संबंध विच असीं पहलों 22 तरीक नूं मानयोग डिप्टी कमिश्नर नूं असीं इक सूचना हित नोटिस दिता सी भी एक हफ्ते दे अंदर अंदर इहनूं इस हुक्मां नूं लागू कराओ। उस तों बाद 29 तरीक नूं सोमवार नूं असीं इत्थे पक्का टर्म बैठ गए और बैठे जदों असीं इत्थे सड़क दे विच बैठे सीगे मानयोग SDM साहब आए, उन्हां ने सानूं भरोसा दवाया भी असीं कराउंदे आ और उस तों अगले सोमवार इत्थे मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब साडे टेंट विच बैठ गए। उस तों दूजे दिन फिर आए, सिर्फ सानूं भरोसा दवाउंदे आ ते सानूं गल्लां दे विच ठाउणा चाहुंदे आ कि जिहड़े मुख्यमंत्री ने हुक्म लागू किए आ उह नप के बैठे हुए आ, जिहड़े विधायक ने इत्थों दे वोटां लै रहे ने उहनां दी नीति बनी हुई आ कि ये लोग जिहड़े हैगे आ साडे शरणां च आवण ते असीं इहनां नूं पहलो अपनी ईन मना लईए भी सानूं वोट पाओगे साडी दूसरी सरकार बनाओगे दूजी वार ते फिर असीं उह हुक्म लागू करांगे। अज्ज किन्ने दिन च तुहाडा? अज्ज साडा 12 दिन हो गया लग्गिआं नूं ते इहनां नूं इक शर्मिंदा करन लई असी एक जिहड़ा अज कपड़े ला के रोस प्रदर्शन जारी कर रहे हैं फिरोजपुर DC दफ्तर को। जय भीम जय भारत जी, असी पिछले 12 दिन तो बैठे हुए हैं 5-5 मरले तो जिहड़े फ्री रजिस्ट्रियां ते एक इन्हां बिल माफ़ किया सी, ना ही तो साढ़े बिल माफ़ होए जी, ना ही कोई साड़ियाँ फ्री रजिस्ट्रियां हुई जी, तो ना ही सानू कोई 5-5 मरले मिले ने। ठीक है, सानू कहणगे तुहानू आटा दिता जाऊ दाल दिती जाऊ, ठीक है, हुण तां अकाली सरकार कहिंदी तुहानूं आलू भी नाल दित्ते जाणगे, ये सारा कुछ सांभ के आपदे घरे रखण, तुहानूं चंगी सेध, ठीक है जी, चंगी शिक्षा साडे बच्चों नूं पढ़ाया जाए। हुण इन्हां कहा जी 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं किया जाऊगा, ठीक है जी, जे 8वीं तक फेल नहीं किया जाऊगा 10वीं 11वीं 12वीं कितों साडा बच्चा करेगा जी? नहीं करेगा, कदे भी नहीं करेगा। ठीक है जी, जदों 10वीं 11वीं 12वीं नहीं करेगा फिर साडा बच्चा नौकरी नहीं लगेगा जी। ठीक है जी, इस करके सानू आटा दाल नहीं चाहिए, इन्हां दे बिल फ्री नहीं चाहिए, सानू साडियां मंगां ने सानू चंगी सेध चंगी शिक्षा चाहिए है जी। किन्ने दिन हो गए तुहानूं धरने? 12 दिन हो गए जी सानू। किसी भी अधिकारी ने आके कोई साल नहीं जी, किसी ने कोई गल नहीं सुनी जी। हुण असीं यही मंग करदे आ जिहड़ियां इन्हां रजिस्ट्रियां कहीआं फ्री वह लागू कीतियां जाण। दूजा नंबर ये जी, जिहड़ा इन्हां कहा 5-5 मरले, क्योंकि हर थां ते हर पिंड च हर थां ते पंचायत की जगह पई है, क्योंकि ये जरूरी नहीं, ना ही तो कोई गरीब बंदा किसी की जिथे भी पंचायत की थां पई है कोई नहीं बोली दे रहा, कोई चंद पिंड होणगे जिथे कोई बोली देता पंचायत की, जिहदा कोई नहीं दे रहा। अगला संघर्ष है जी, इतों बाद असी मेन हाईवे जे सरकार साड़ी ना ही गल सुनती मेन हाईवे जाम करांगे असी, ठीक है जी, फाजिलका फिरोजपुर अगे असी DC दफ्तर अगे बैठे, फिर असी मेन आवे फिरोजपुर का पूरा चक्का जाम कर देंगे असी।